मैन फोर्स विगोरा या दिस अंग्रेज़ी दवाओं का सहारा लेते हैं अपने वजू खास को जो है सीधा करने के लिए। आज से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नुस्खा मैं आपको बतलाऊंगा जो लाखों का नुस्खा बिल्कुल फ्री 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 मैं आपको बतलाऊंगा। क्या क्या जड़ी बूटी वो आपको दिखलाऊंगा, कितनी लेनी ये भी देखना और क्या क्या है वो भी आप देखना। इजी है, आसान, घर पर बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। दोस्तों प्रॉपरली आप जान लेते हैं ये कितनी बीमारियों में काम करेगा। तो दोस्तों आपके वजू खास में ढीलापन रहता है, जो करते करते ढीला, ये पहले ही ढीला रहता है, मुकम्मल स्टैंडिंग सख्ती मजबूती नहीं है इसके अंदर, लोहा लाट नहीं रहता, ये परेशानी है। ये करते करते ढीला, ये एक बार मिल लेते हैं सही से, एक बार कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन दोबारा बिल्कुल रेडी, एक एक हफ्ते तक साइलेंट, कुछ भी करंट नहीं रहता, इच्छा भी नहीं होती, पार्टनर कितना भी आपको छेड़े, आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन कोई इच्छा के अंदर पैदा नहीं होती, तनाव नहीं आता। तो दोस्तों तनाव की परेशानी, मर्दाना कमज़ोरी आपके अंदर आ गई है, या दोस्तों आपके अंदर टाइमिंग की भी कमी आ गई है, टाइमिंग भी उसका टाइमिंग में भी काम करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा और मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा, स्टैंडिंग आपके अंदर लाएगा, बच्चों की तरह सुखड़ा हुआ है इसको खुलकर साइज बाहर आएगा और मुकम्मल तनाव पावर आपके अंदर स्टेमिना लाएगा। चलिए बिना देर करते हुए जान लेते हैं उसका क्या लेना है आपको और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये बताने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को प्यार सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लेना है, दालचीनी ये आप ले लीजिए 50 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेनी है छोटी पीपल, ये भी आप ले लीजिए 50 ग्राम। फिर आपको लेना है सालब पंजा, ये भी आप ले लीजिए 50 ग्राम। फिर आपको लेना है अकर करहा, ये भी आप ले लीजिए 50 ग्राम। जावित्री ये भी आप ले लीजिए 50 ग्राम। कुलंजन आप ले लीजिए 50 ग्राम। लौंग आपको लेनी है 25 ग्राम। छोटी इलायची आप ले लीजिए 50 ग्राम। ताल मखाना इसमें ले लीजिए आप 50 ग्राम। जायफल इसके अंदर ले लीजिए आप 50 ग्राम। सारी दवाओं को पंसारी की यहाँ से लाइए, कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए और आपको शुगर नहीं तो मिश्री भी ऐड कर लेना 200 ग्राम, और घर पर लाइए और इस्तेमाल का तरीका सुन लीजिए। सुबह में खाली पेट एक चम्मच आपको दूध से लेना है, छोटा वाला चम्मच, और एक छोटा वाला चम्मच रात में सोते समय खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दूध से लेना है, और तमाम गर्म चीज़ों का, तली भुनी चीज़ों का, बाजी चीज़ों का, अंडा, गोश्त, मांस मछली, नशेबाजी, लड़कीबाजी, गलत काम का, तमाम का आपको परहेज़ करना है, दवाई का सेवन करना है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ उसका अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।